नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के दौरे से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान ने पीसीसी के बाहर पोस्टर लगाए हैं, जहां पर पोस्टर में राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है, जिसमें लिखा गया है कि देश को उम्मीद भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की है और देश में बनाएंगे कांग्रेस की सरकार। जी हां, गौरतलब है कि 8 फरवरी को राहुल गांधी का भोपाल दौरा है, उसके पहले भोपाल में पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अन्य राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस लोकसभा की तैयारियां देखने को मिल रही है। अभी हम खड़े कांग्रेस कार्यालय के पास। कांग्रेस कार्यालय में 8 तारीख को जब राहुल गांधी यहां आ रहे हैं, तो उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस जन देख रहे हैं। इनका साफ कहना है कि अभी श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बदली और देश की उम्मीद भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखते हुए आज यहाँ पे एक पोस्टर दर्शाया गया है, जिसमें राहुल गांधी को आने वाली लोकसभा में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जो आश्वस्त दिख रही है कि लोकसभा चुनाव में भी अब वो उनकी उम्मीद पर कायम है कि आने वाले समय में लोकसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री होंगे वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, उसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसी को लेकर ये पोस्टर यहाँ पे दर्शाया गया है, जो दिखाता है कि आने वाली लोकसभा में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ संजय डूंगर, दिव्य भोपाल।